मेरे चैनल एजुकेशन टॉक्स विद अब्बास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमने जो सोचा कि जो है केमिस्ट्री क्लास 11th की हमने स्टार्ट की है, इसमें जो हमने इंपॉर्टेंट सिलेबस जो होंगे ना, हमारा जो स्मार्ट सिलेबस है इसके हम तहत चलेंगे। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हम जो स्मार्ट सिलेबस क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हमने सिलेबस को शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। अब हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट लिमिटेड रिएक्टेंट। लिमिटेड रिएक्टेंट क्या होते हैं प्लीज ये हम चर्चा कर लेंगे। तो लिमिटेड रिएक्टेंट क्या होते हैं? लिमिटेड रिएक्टेंट ऐसे रिएक्टेंट दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल इक्वेशन। अब हमने लास्ट लेक्चर में स्टोइकोमेट्री के बारे में पढ़ा था। स्टोइकोमेट्री क्या थी? स्टोइकोमेट्री जो हमारे जो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, और हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी हाइबर्स प्रोसेस की, N2+3H2 इज क्या बनता है 2NH3। अब इसमें हमने क्या किया था, स्टोइकोमेट्री रेशियो रखी थी। अगर हम ये रेशियो चेंज कर दें तो हमारी अमाउंट क्या वो नहीं बनेगी जो हमारी बननी चाहिए, या हमारी अमाउंट जो लिमिट हो जाएगी। अब इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि अगर हम किसी रिएक्टेंट को कम या ज्यादा कर दें तो हमारी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसमें देखिए जिस तरह अब यहाँ पे हमने अब हम एक तो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो हमने यूज किया 3:1:2 की। अगर हम यहाँ पे यूज ना करें मतलब हम इस क्यों यूज नहीं करते, इसके 3 रीजन है। अगर हम स्टोइकोमेट्रिक रेशियो यूज नहीं करते तो उसकी क्या है 3 रीजन है। पहली रीजन ये होती है कि हमारा जो रिएक्टेंट वेरी एक्सपेंसिव है, इसे रिएक्टेंट बोलते हैं। ये क्या है हमारा रिएक्टेंट, ये क्या है हमारा प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट क्या है हमारा एक्सपेंसिव है, ठीक है, ये एक रीजन हो सकती है। या हम उसका 100% कंप्लीट रिएक्शन करवाना चाहते हैं, ठीक है। और क्या हो सकती है रीजन, हम जो है अपनी जो है प्रोडक्ट को हम कंप्लीट नहीं चाहते, प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं चाहते हम, इसलिए हम ये यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है कि अगर हमने कोई रिएक्शन करवाया है, अगर जिसकी अमाउंट कम होगी, ठीक है, तो हमारा रिएक्शन जो प्रोडक्ट होगा क्या हो जाएगी, अमाउंट की कम हो जाएगी। अब इसकी एग्जाम्पल मैं आपसे चलता हूँ, बहुत सी आसान एग्जाम्पल है आपके पास जो है, इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 देख लें। आपके पास एक कबाब है, ठीक है, 2 स्लाइस है, ठीक है, ये हमारा क्या बन जाता है, एक सैंडविच बन जाता है। क्या बन जाता है, एक सैंडविच। अब इसमें अगर हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास 30 कबाब हो जाए, ठीक है, एंड 58 क्या हो स्लाइस हो, तो ये कितने बनेंगे, ये कितनी सैंडविच बनेंगे बताएं, कितने सैंडविच बनेंगे 30 कबाब से 58 स्लाइसेस से, 29 बनेंगे, 29। अब देखो, अब ये देखो हमें एक कबाब में 2 स्लाइस चाहिए, 30 कबाब में कितने चाहिए 60, लेकिन 2 यहाँ पे क्या है कम है, ठीक है, तो ये क्या बनेंगे हमारे, कितने बनेंगे 29 सैंडविच। तो हमारा कौन सा चीज ज्यादा है हमारे पास, एक बाप ज्यादा है ना हमारे पास, एक बाप के हमारे पास एक्सेस में हम क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। अब हमारा काम चीज हमारे पास क्या है, कम हमारे पास क्या चीज है, स्लाइस। स्लाइस हमारे पास क्या है, स्लाइस क्या हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिएक्टेंट। क्या है हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल की है, ये हमारे कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं,
ये हमारे पास सीलिंग कितने मोल्स हैं, 1 मोल है। ये हमारे पास वाटर कितने मोल्स बनेंगे, 2 मोल्स बनेंगे वाटर के। अब अगर इसका हम मोलर मास हम अगर निकाल लें तो कितना मास बन जाएगा इसका, पता है, 4 शाबाश, 4 ग्राम इसका 32 ग्राम बन जाएगा इसलिए 16 2 32। और ये कितने बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे, 36 ग्राम बन जाएंगे ऑक्सीजन के, 32 ठीक है, और ये 4 34 बनेंगे, देख लीजिए 34 है, इतने 34 ग्राम बनेंगे। नेक्स्ट पेज में है, देखिए अच्छा तो ठीक है, तो हमारे पास आप देखो, अब यहाँ पे अगर मैं 32 की बजाय यहाँ पे 64 कर दूँ, अगर मैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करूँ यहाँ पे 64 कर दूँ, तो अब ये कितने बनेंगे, ये कितने बनेंगे, अब 34 ही बनेंगे, 34 में जो ऑक्सीजन है हमारे, हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, कम है, तो हाइड्रोजन क्या बनेंगे, हाइड्रोजन इज लिमिटिंग गैस, क्या होगा, H2 हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्शन होगा, आगे से बात की। और हमारा ये ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, SS समझ आएगी इसकी, हाइड्रोजन ठीक है 36 ग्राम। तो अब आप समझ आ गई कि हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्शन है, और हमारे पास क्या है, एक्सेस के। अब हमें दो एग्जांपल से हमें पता चल गया लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होते हैं, सिंस द डेफिनेशन क्या है इसकी, लिमिटिंग रिएक्टेंट इज अ रिएक्टेंट दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एंड जो हमारा जो होगा स्मॉलर क्वांटिटी में क्या बनेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हमने अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसका न्यूमेरिकल आएगा जो बोर्ड में आता होता है एग्जांपल जो हम करेंगे। अब हमने एग्जांपल में स्टेप्स क्या रखे, अब लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिटरमिन करने के तीन स्टेप हैं, कितने स्टेप हैं, डिटरमिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट कितने स्टेप हैं इसके, पहला स्टेप क्या होगा कि हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने होंगे, पहला स्टेप क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफजो हमारे पास रिएक्टेंट है उसके मोल्स गिवन करने होंगे, और ये हमें इसकी मास गिवन होगा, मास क्या होगा गिवन। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा कि हमें जो हमें मास जिसका हमें मास चाहिए उसके नंबर ऑफ मोल्स में करने पड़ेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट व्हिच रिक्वायर्स जो हमें चाहिए हमें जो हमें क्वेश्चन में पूछा होगा व्हिच रिक्वायर्स। तीसरी चीज हमें क्या चाहिए होगी, जो हमारे पास चीज कम होगी, जो हमारे पास जो हमारे जो प्रोडक्ट को लिमिट कर देगी वो क्या होगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट, वो क्या होगी, लिमिटिंग, ये हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको समझ आ गई लिमिटिंग रिएक्टेंट होते क्या हैं, हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमने इसकी एग्जांपल भी पढ़ ली। अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एग्जांपल, आप एग्जांपल दे देंगे, दो एग्जांपल आपको बताएंगे आप दे सकते हैं। तो हमने सिर्फ क्या सीखा, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होती है, एक्सेस रिएक्टेंट क्या होते हैं, और इसकी एग्जांपल हमने सीखी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके जो अगले लेक्चर में हम क्या बताएंगे इसके जो प्रॉब्लम के बारे में कि इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो बोर्ड में हर दफा आता होता है। तो शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।